हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जिसे लोग नंद का पुत्र समझते हैं, ये वही है जिसकी हमें प्रतीक्षा थी, और इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। महाराज, यदि ये सत्य है कि ये देवकी की आठवीं संतान है, तो फिर चिंता किस बात की? अब उस अकेले बालक से निपटना कोई बड़ी बात नहीं। उतना तुमने हमें अपना भाई स्वीकार किया है, आज हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आप आज्ञा दें, उतना अपने प्राण देकर भी भाई की सेवा करेगी। तो इसी समय गोकुल में जाओ, और वहां नंद के घर में एक नवजात बालक है, आकाशवाणी के अनुसार जिसने मेरा काल होना है, ये वही बालक है। स्वागत है, आसन पर विराजिए। मेरे स्तनों से निरंतर अमृत रस झरता रहता है, जिसके पीने से तेरा पुत्र अमर हो जाएगा। क्या हुआ नाथ? माता आ रही है, उनका स्वागत करना है। माता? हाँ, पूतना माता। मुझे दूध पिलाकर उन्होंने मातृपद प्राप्त कर लिया है। परंतु उसने आपको ऐसा भयंकर विष दिया, आपको उसका कोई रोष नहीं? नहीं राधे, विष तो हमें ऐसा लगा जैसे माँ प्रेम भरे क्रोध से अपने बालक को पीटती है, उसकी तो चोट ही नहीं लगती। चारूर, हमें पूरा विश्वास है ये वही बालक है जिसने देवकी के अष्टम गर्भ से जन्म लिया। जिसे लोग नंद का पुत्र समझते हैं, ये वही है जिसकी हमें प्रतीक्षा थी, और इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। महाराज, यदि ये सत्य है कि ये देवकी की आठवीं संतान है, तो फिर चिंता किस बात की? अब उस अकेले बालक से निपटना कोई बड़ी बात नहीं। हमारे विचार में तो इस समय केवल एक ही है जिसके द्वारा ये कार्य आसानी से हो सकता है। कौन? पूतना, बकासुर की बहन पूतना। मथुरा नरेश की जय हो, क्या आज्ञा है महाराज? उतना तुमने हमें अपना भाई स्वीकार किया है, आज हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आप आज्ञा दें, उतना अपने प्राण देकर भी भाई की सेवा करेगी। हाँ, तो इसी समय गोकुल में जाओ, और वहां नंद के घर में एक नवजात बालक है, कहते हैं कि उसका जन्म आज से 7 दिन पहले यशोदा के गर्भ से हुआ, पर मुझे पूर्ण विश्वास है आकाशवाणी के अनुसार जिसने मेरा काल होना है, ये वही बालक है जिसके लिए मैंने देवकी को इतने वर्ष तक कारागार में रखा। किसी छल के द्वारा वो मेरे हाथ से बच के निकल गया। अब तो मैं उसकी हत्या करके मेरी चिंता का अंत करना है। एक नन्हे से बालक की हत्या, बस इतना ही काम है भैया? यदि मेरा अनुमान सत्य है तो वो स्वयं विष्णु ही है। इसलिए ये कार्य शायद इतना सहज नहीं होगा जितना तुम समझती हो। हाँ, विष्णु बहुत छलिया है, इसलिए तुम्हें बहुत सतर्क होकर वहां जाना चाहिए। इसकी आप चिंता ना करें, यदि वो छलिया है तो मैं भी उसे छल से ही मारूंगी। वो कैसे? मेरे पास कालकूट नाम का विष है, ऐसा भयंकर कि हाथ लगाओ तो हाथ भी जल जाए। वही कालकूट विष अपने स्तनों पर लगाकर मैं उनके घर जाऊंगी, एक धाय की भांति से बच्चे को दूध पिलाऊंगी। 2 घूंट पीते ही उसकी समस्त नाड़ियां विष की भयंकर ज्वाला से फट जाएंगी। उत्तम, अति उत्तम। पूतना, तुम अभी जाओ, क्योंकि नंद ग्रह में समय स्त्रियां ही स्त्रियां होंगी, पुरुष तो गोधूली के समय ही घरों में आएंगे। अच्छी बात है, मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ और विदयी होकर आना। देवी, आप कौन हैं? कहां से पधारी हैं?
और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? नंदरानी, मेरा प्रयोजन तो केवल आपके लल्ला के दर्शन करना है। मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। मेरे पति एक श्रेष्ठ विद्वान और परम सिद्ध ब्राह्मण है। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखकर मुझे ही बतलाया कि नंद राय के घर में एक महान आत्मा ने पुत्र के रूप में जन्म लिया है, जिसका दर्शन बड़ा ही मंगलकारी है। इसीलिए मैं तेरे द्वार पर आई हूँ। स्वागत है, आसन पर विराजिए। धन्यवाद। ब्राह्मण पत्नी हूँ इसलिए कोई भेंट तो नहीं दे सकती, लेकिन तेरे बालक को आशीर्वाद अवश्य दे सकती हूँ। मेरे तपस्वी पति की सहायता और कृपा से मुझे दो सिद्धियाँ प्राप्त हैं। इनमें से एक तो ये है कि मेरा आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हो सकता। ला, इसे मेरी गोद में दे दे, मैं इसे लंबी आयु का वरदान दे दूंगी। तुम्हारा ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं है, ये तो कोई अद्भुत जीव दिखाई पड़ता है, जैसे देवलोक से आया हो। यशोदा रानी, मैं एक और रहस्य की बात बताती हूँ। मैंने कहा था ना कि मुझे दो सिद्धियाँ प्राप्त है, उनमें से दूसरी ये है कि मेरे स्तनों से निरंतर अमृत रस झरता रहता है, जिसके पीने से तेरा पुत्र अमर हो जाएगा। अतः मैं इसकी धाय बनकर इसे अपना दूध पिला देती हूँ। यशोदा, सब ठीक हो गया। अरे यशोदा, होश में आओ, होश में आओ यशोदा, होश में आओ काकी। मीरालाल, मीरालाल, यशोदा होश में आओ, देखो लाल के पास जाना है। तुम्हारा लल्ला यही है, देखो तुम्हारा लल्ला। आते हुए हमने इसी की छाया गोकुल की ओर जाते देखी थी। हमें क्या पता था कि ये हमारे ही पुत्र को उठाने आ रही है। नंद राय जी, इस विशाल देह का क्या किया जाए? इसका अग्निदाह तो करना ही चाहिए, अन्यथा इसकी दुर्गंध से सारा वातावरण दूषित हो जाएगा। मेरे विचार से 20-25 चिताएं बनाकर इसके शरीर के टुकड़े करके उसमें डाल दिए जाए, यही उचित है।
क्या हुआ नाथ? माता आ रही है, उनका स्वागत करना है। माता? हाँ, पूतना माता। मुझे दूध पिलाकर उन्होंने मातृपद प्राप्त कर लिया है। हमने तो उसके पिछले जन्म में ही उसकी मातृभावना को स्वीकार कर लिया था। पिछले जन्म में? हमारे वामन अवतार के समय उस जन्म में ये दैत्यों के राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब हम वामन के रूप में उनकी यक्षशाला में पधारे तो उन्हें हमारा रूप अति प्रिय लगा और मातृत्व की भावना जगी। उन्होंने इच्छा की, इसे देखकर जी चाहता है इसे पुत्र की भांति हृदय से लगाकर अपना स्तनपान कराऊं। हमने उस बालिका के हृदय में एक सुंदर कोमल भावना को देखकर मनी मन उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कहा, तथास्तु। और जब हमने बलि से प्रतिज्ञा करा के अपना त्रिविक्तम रूप धारण किया और उसका सब कुछ छीन लिया तो रत्नमाला को हम पर बहुत क्रोध आया और उसके मन में दूसरा शत्रुता का भाव उठा। यदि ऐसा छलिया मेरा पुत्र हो तो उसे मैं दूध में मिलाकर विष दे दूंगी। हमने उसकी वो इच्छा भी स्वीकार कर ली। सो इस जन्म में एक साथ उसकी दोनों इच्छाएं पूरी हो गईं। हमें विष भी दे दिया और अपना दूध भी पिला दिया। परंतु उसने आपको ऐसा भयंकर विष दिया, आपको उसका कोई रोष नहीं? नहीं राधे, विष तो हमें ऐसा लगा जैसे मां प्रेम भरे क्रोध से अपने बालक को पीटती है, उसकी तो चोट ही नहीं लगती। और उसके साथ मां का दूध तो इस धरा का अमृत है। दूध पिलाया तो पूतना माता को मातृत्व का आदर देकर सालोक मुक्ति प्रदान करती है।